पता है क्या, मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अभी देखना ये जो बाइक पे बंदे खड़े हैं ना, ये जो गाड़ी जिसने रुकवाई है इस बंदे ने, इतना इरिटेट कर देते हैं शीशा, ये चलती गाड़ी में ऐसे ना रुको 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 रुको, जैसे कर्जा ले रखा हो इनका, ये रे भाई ये देखो, और एकदम से ऐसे पैनिक डरा देते हैं, जैसे कोई नया बंदा हो तो डर जाएगा कि हमने शायद इनको पीछे ठोक के तो नहीं आ गए, क्या कर दिया ऐसा। जो आज लास्ट डे है भाई हमारा जैसलमेर में, और अभी जो है ना 9 डिग्री टेम्परेचर हो गया था यहाँ पे, खतरनाक। सुबह 7 बजे ना भाई, ठंड के मारे बुरी हालत, बुरी, अपने आप आँख खुल गई मेरी, मैं सोच रहा था कि सो जाऊँ थोड़ा और ये वो, क्योंकि रात को है ना एडिटिंग के चक्कर में वैसे ही 2 बज गए थे, लेकिन सुबह 7 बजे के बाद नींद ही नहीं आ पाई यार, इतनी तगड़ी ठंड लग रही। अभी अभी मैं आके ना थोड़ा धूप में बैठा हूँ, और अभी भी यहाँ पर 13 डिग्री टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जाके 11 या 12 बजे नॉर्मल होगा, दिखा रहा है 22 या 24 डिग्री हो जाएगा, थोड़ी धूप सेक रहा हूँ। और आज लास्ट डे है हमारा जैसलमेर में, निकलना है कल दिल्ली, आज थोड़ा सा यहाँ पे काम है, एक दो जगह देखनी है बस, इसलिए रुके हैं, वरना तो हम आज निकल जाते यहाँ से दिल्ली के लिए। तो एक बार आज जैसलमेर सिटी जाना है, क्योंकि हम सिटी अब तक नहीं गए। ये ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं ना कभी भी मैक्सिमम 1 हफ्ते से ज़्यादा घर के बाहर नहीं रहा, और आज हमारा 11 या 12वां दिन है इस टूर का। भाई लिटरली मेरे को है ना, मतलब होम सिकनेस हो रही है, और ऐसा लग रहा है बस घर जाना है यार, घर जाना है। दिमाग काम नहीं कर रहा, नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो रही, नींद क्या है अपने बेड पर पूरी होगी, तो बस एक चाय मंगा रखी है, उसका वेट कर रहा हूँ, चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से सिटी के लिए। इसकी बुक करानी होगी, इसकी 800 नोट तो हो गए, यहाँ से 800 किलोमीटर ऊपर हो चुके हैं डीयू के, 1500 और हमारे पास स्पॉन्सर भी आ गए। सलोना रिजोर्ट जैसलमेर, यहाँ पर रुके थे अपन, अभी निकल रहे हैं यहाँ से जिस काम के लिए, मतलब जो जिस भाई को आना था उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतने हमने कहा हम तो टाइम पास करें। एक जगह बताइए यहाँ पे, बड़ा बाग तो, वो छतरिया है, छतरिया वो, उसका कनेक्शन थोड़ा बहुत कुलधारा से भी है, स्लाइटली है ना, चल के देखते हैं और रास्ते में समझाते हैं आपको कैसे है कनेक्शन कुलधारा से वहाँ का। भाई हमारे वाइपर का फ्लूड का पानी खत्म हो गया, वाइपर फ्लूड का जो पानी होता है, और वो हमें पता नहीं इसमें डलना कहाँ से ढूंढ लिया कई बार, तो ऐसे काम चलाना पड़ रहा है बोतलों से। पता है क्या, मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो अपने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाई जैसलमेर की, ये मतलब अभी देखना ये जो बाइक पे बंदे खड़े हैं ना, ये जो देख रहे हो आप, ये जो गाड़ी जिसने रुकवाई है इस बंदे ने, भाई ये बाहर का नंबर देख के या फिर ऐसे भागेंगे ना आपके पीछे, और मतलब ये बेसिकली आपको ये बोलेंगे कि हमारे कैब में रुके हो, लेकिन ये इतना इरिटेट कर देते हैं शीशा, ये चलती गाड़ी में ऐसे ना रुको 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 रुको, जैसे कर्जा ले रखा हो इनका, ये खड़े, ये रे भाई ये देखो, बहुत इरिटेटिंग, मतलब यार ये है ठीक है तुम कहीं भी आते हो, मतलब ये मार्केटिंग के भी कुछ नियम होते हैं। हाँ मार्केटिंग के कुछ नियम होते हैं, थोड़ी सारी गाड़ी के आगे कूद जाओगे, हो जाता है कि चलते हुए 70 की स्पीड हो जाए 80 की स्पीड, आपके पैरेलल रन कराएंगे, मतलब ये खतरों के खिलाड़ी वाला गेम करेंगे आपके, और एकदम से ऐसे पैनिक डरा देते हैं, जैसे कोई नया बंदा हो तो डर जाएगा कि हमने शायद इनको पीछे ठोक के तो नहीं आ गए, क्या कर दिया ऐसा, जो या गाड़ी कोई पंचर है हमारी कुछ ना कुछ, आदमी रुक जाएगा उस वजह से। ऐसा लग रहा है दुर्जन सिंह की हवेली हो, देखा था ना आपने दुर्जन सिंह, गए हैं भाई से खुलवा रहे हैं यहाँ कुछ देखने आए हैं यार, साथ साथ में ब्लॉग भी हो रहे हैं, साथ साथ में 100 वीडियोस भी हो जा रही हैं, इसलिए शक्ल की 12 बजे पड़े हैं, क्योंकि रेस्ट मिल नहीं पा रहा बॉडी को, जैसा कि मैंने आज बताया 12वां दिन है आज, कल दिल्ली भी निकलना है, और आज एक लास्ट 100, अब ये लगा लो 2 रातों से हम, मेरी आज यहाँ पर 3री रात होगी, और अब तक मैंने यहाँ पे एक भी हॉन्टेड वीडियो शूट नहीं करी है जैसलमेर में, कुलधारा करनी थी लेकिन मैं कुलधारा अभी स्किप कर रहा हूँ यार, कुलधारा इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कुलधारा के लिए मैं चाह रहा हूँ यार पूरी टीम ही आए, राकेश आए, सब आए, वो ढंग से ही करें उसको ना, इसलिए जो बाबूजी बन के आए थे दिल्ली से, शेव कटिंग वटिंग करा के पहन, कुलधारा ऐसे होगी सारी शक्ल, मूवी ना तो रखा हो भाई, इतना टाइम हो गया यार, 12 दिन हो लिए साढ़े,
हर जगह का पानी अलग है, हर जगह साली टैनिंग गोवा में जैसलमेर में। भाई ये भाई तुम्हें लग रात को बहन चो 9 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है और दिन में ना भाई साहब यहाँ पूछो मत, इसमें साली गर्मी लग रही है, ये छोटे पतले से अपर में इसमें गर्मी लग रही है बताओ। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, और रात को यहाँ ऐसे अब कम्बल लपेट लो साली चुतड़ जाम हो जाएंगे साले। देखना ये कैसी कैसी वॉन्टेड वो पड़ी हैं हवेलियाँ। तो ये जो भी पीछे है ना इसके जो हमने जगह देखी है, भूतेश्वर मंदिर भी है, भूतेश्वर और हॉन्टेड प्लेस है पीछे बता रहे हैं। चलो भाई देख लेते हैं कैसा है। आया तो खतरनाक सारे, अब लग रही है भूख। जैसलमेर सिटी में ही देखते हैं कुछ सिटी, यहाँ से है कितनी दूर, वैसे तो भी 21 किलोमीटर दिखा रहा है ये सिटी। अच्छा ये सारी बकरी भीड़ है, बकरी है तो बकरी है। भाई ये नहीं हटती रोडों से, इन्हें अलग ट्रेंड किया गया है। आप जब भी जैसलमेर आओगे ना आप एक चीज देख के तो पक्का आप मतलब आपको मजा आने वाला है, वो है यहाँ की रोड्स भाई। मतलब एक तो यूं है ऐसे 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 चल छाइयां 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 होती ना, अगर आपकी गाड़ी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, लेकिन रोड्स क्वालिटी जो है वो अमेजिंग है। चाहे रोड छोटी हो हाँ तब भी वो एकदम प्लेन है, गड्ढे नहीं है। देख लो 80-100 की स्पीड पे चलोगे आप ऐसी नैरो रोड्स पे भी तो और क्या चाहिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, जहां तक नजर जाएगी आपकी वो व्यू जो मिलेगा आपको ऐसा लगेगा क्या ही उसमें आ गए आप, यही रोकनी है क्या। भाई ऑफ रोडिंग ट्रैक पर उतर आए हम गाड़ी लेके, मजा आ रहा है भैया। सस्पेंशन तो इसके देखो ऐसे हैं कि उसमें इतना नहीं पता लगता ऑफ रोडिंग का। अभी इसकी जगह होती ना स्कॉर्पियो तो ऐसे हम दही में पेट में लस्सी बन जाती तो झूले झूल रहे होते हम। पर लोकेशन है मजेदार है, कहाँ पे है वो बता रहा जो ये ले जा रहा है क्या है? नहीं वो जो थी वो वाली शायद पीछे निकल गई ना। हाँ शायद कोई शॉर्टकट है या कोई यहाँ से वैली से देखती है कुछ ना कुछ तो है। लेट्स सी, अभी अभी हमारे लिए तो सरप्राइज ही है जो ग्लास ढूंढे जा रहा हूँ मैं और उसके ऊपर बैठ गया। वाओ टूटा तो नहीं ना, बच गया भाई बच गया। आ गए हम भाई सिटी के अंदर जैसलमेर ना, की ले ली गाड़ी की, आ गए जैसलमेर सिटी में। तो पिछली बार जहाँ पे हमने खाना खाया था ना वहीं पे खाएंगे, OTR करके रेस्टोरेंट है जैसलमेर सिटी में। राफेल था राफेल। तो भाई अब पहुंच गए हैं, 4 बज गए हैं, 2 से 3 घंटा ना सोना चाहता हूँ लाइफ में, ज़रूरी है सोना। और एक तो धूप ना भाई, ओहो अभी थोड़ी देर में ठंड हो जाएगी, जैसे ये धूप गई तो ठंड हो जाएगी। और आज है ना आपको मैं कोशिश करूँगा दिखाने की कि यहाँ पे ना शाम को बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, दिखाएंगे आपको। क्योंकि इससे आज के ब्लॉग में कुछ है नहीं दिखाने को, क्योंकि सो के हम तभी उठेंगे है ना। मिलते हैं आपसे सो के उठ के। इसने उठा दिया मुझे, एक चाय पीता हूँ फिर मिलता हूँ। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच। ए रंगी 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 लू रस्सी भरो जी भरो प्यारो बाहर की साइड आए हैं भी, देख लो वहाँ हो रहा है प्रोग्राम इस रिजॉर्ट में। और भाई ठंड इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत
9 डिग्री है अभी दोपहर में ना, गर्मी लग रही थी जब मैं बता रहा था ना आपको, सना रखा है अभी यहाँ पर भाई, आग जलवाएंगे उतार दी ये घाट लगाते हैं और यहाँ करते हैं चाय पे चर्चा सीधा शूट पे है यार, यहाँ भैया लोग आते हैं एंजॉय करने, हम भूत पकड़ रहे हैं, ये क्या चक्कर हुआ भाई? आज की जो जगह है ना वो भूत राज का अड्डा है। ओहो भाई वहाँ तो जाना बनता है, अंदर बताते हैं गाड़ी के अंदर, स्पेशल है वो कुछ चीज ना। अभी हमारी कैमरा किट आ रही है, अब करेंगे आपके लिए मजेदार कंटेंट शूट जो कि शायद फर्स्ट टाइम ही यूट्यूब पे आएगा ऐसा कुछ है ना। आपने सारी एनर्जीज के बारे में सुना होगा, आज हम भूतों को भी डिस्क्राइब करेंगे, या जिसको आप भूत बोलते हो हम उसको एनर्जीज बोलते हैं। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे आज, और शायद शायद कुछ कैप्चर हो पाए, शायद नहीं भैया जो वो लोकेशन है ना उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भाई वहां पर अपने को बहुत कुछ मिल सकता है। मन पता है 50-50 है पर चलते हैं भैया, ये अपने लिए नहीं आपके लिए रहे। क्या क्या हाँ। वीर को याद होगी मुझे? हाँ मुझे याद, कितना आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का रास्ता, क्योंकि 45 मिनट से बड़ा भाग था। हाँ 45 मिनट से बड़ा भाग, तो उससे बहुत पहले थी ये, तो आधा घंटा और खाली है रोड। ये जो रेड रेड आपको जो दिख रही है ना आगे, ये लाइट्स उधर भी दिख रही होंगी बहुत दूर, ये सारे विंड मिल्स है। हाँ सही बात है भैया, वो देख रहे हैं सामने क्या हो रहा है, ये लाइट है वो सूर्य, ये फ्लिकर कैसे हो रही है, ये विंड मिल्स की भी है और वो ये रेडियम, वो नहीं रेडियम वाली नहीं भैया, ये सुजलोन वाली है। क्या मतलब इसका? पंखे वाले। ओके 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 भाई, ये जितनी आपको लाइटिंग दिख रही है ना ये सब ये विंड मिल है। 11 बजने वाले हैं ना भैया, और 11:30 तक पहुंच जाएंगे अपन, 11:30 तक पहुंच जाएंगे, 12 बजे से शूट स्टार्ट कर देंगे, है ना? यहाँ पे वो भारतमाला प्रोजेक्ट है ना उसके लिए भी जो लगाई हुई है ना। हाँ। ये मैप आपने वहीं का डाला है क्या? हाँ। नहीं अभी ये वहां का नहीं है, ये तो पहले का ही वैसे ही डला हुआ है कुछ। अच्छा अच्छा हो गया फाइनली शूट डन, और शूट में भैया तो गाड़ी में चले गए थे, मैं रिस्क नहीं, जीरो रिस्क यार, वो था ही ऐसी चीज ही ऐसी थी। हाँ लास्ट में वीर भी थोड़ा सा ज्यादा, मैं बताता हूँ क्या हुआ ना, एक्चुअली हुआ ये कि ये दोनों फर्स्ट टाइम गए हैं, और फर्स्ट टाइम कोई बंदा ऐसी चीजें होते हुए देखे कि भाई वो किसी सुपरनेचुरल चीजों से बात कर रहा है और वो अपने होने का संकेत दे दे। यार भूतेश्वर के मंदिर में पहुंचा दिया बंदे ने, मजाक कर रहा है यार, दुनिया वहां आत्माएं छोड़ के जा रही है वहां। सो बस आज का इतना ही ब्लॉग था, अभी आए हैं यहाँ पर थोड़ा, ये जो हमारा रिजॉर्ट है इन्होंने कॉपरेट किया हमारे लिए, थोड़ा सा देर तक खाना हमें मिल गया, यहाँ पे बैठे थोड़ी देर आग सेकते हैं क्योंकि आज लास्ट डे है, तो थोड़ा सा फील करना चाहते हैं इस इन्वायरमेंट को। ये जो तारे देख रहे हैं ना, मतलब कैमरे में तो दिखेंगे नहीं, कैमरे की औकात ही नहीं है, जो हम नेचुरल भी नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो ये चीज फील करना चाहते हैं। दिल्ली में तो मेरे ख्याल से मिलने ही नहीं है तारे देखने को, 2 दिन से सूरज नहीं निकला है वो कह रहे हैं, तो यही चीज फील कर रहे हैं, थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, लास्ट डे को एंजॉय कर रहे हैं, कल निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, उसके बाद आपको वही बैक टू घर से जिम से घर यही ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर अपनी एडवाइस कुछ भी आप मेरे को बोल सकते हो, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, पाप चढ़ेगा तुम्हें, सही बता रहा हूँ मैं, बिना सब्सक्राइब करे जो देख रहा है ना उसमें पेनल्टी है।